प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा श्रोमणी अकाली दल के सीनियर आगू मैंबर सबका मैंबर पार्लीमेंट साडे विच मौजूद ने। चंदूमाजरा साहब बहुत बहुत स्वागत है। मेहरबानी, थैंक यू। चंदूमाजरा साहब, 2017 दी इलेक्शंस हुई सी और उस दे विच आम आदमी पार्टी तीजी धिर दे विच आई सी, उस दे विच किते ना किते वोट शेयर ते असर पिया सी और हुण इस बार एक पासे कांग्रेस है, श्रोमणी अकाली दल है, आम आदमी पार्टी है, फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने संयुक्त अकाली दल है, ये सारिया चीज़ा कट्ठिया ने, तुहानू नहीं लगता कि मुकाबला इस बार होर जबरदस्त हो गया? जे अगर श्रोमणी अकाली दल लई ऐतकी एंटी इनकंपेंसी का माहौल नहीं है तब धिरां ज़्यादा होण नाल भी मुकाबला होर ज़्यादा औखा हो गया? नहीं, असल जदों बहुकौमी मुकाबले होण उदों बहुते सख्त मुकाबले नहीं होंदे बल्कि सॉफ्ट होंदे आ, मैं समझदा, क्योंकि बहुकौमी मुकाबलों में अकाली दल नूं गेन होएगा। उहदा कारण यह आ, तुसीं देखिया होणा कि श्रोमणी अकाली दल का केडर जिहड़ा इंटैक्ट रहा थ्रू आउट, बाकी सारिया पार्टियां का केडर जिहड़ा खिंडिया। हुण आप पार्टी तुसीं गल करदे हो, आप पार्टी तां मेरा ख्याल इन्नी जल्दी बंदा कमीज नहीं बदलता जिन्नी जल्दी उन्हां लीडर बदले, बार बार लीडर बदले, मेरा ख्याल कम से कम 5 साल 5 लीडर बदल ले, तो हेठला केडर भी खुरिया, ईवन MLA जिहड़े उह छड के चले गए, इन्ने MLA किसी पार्टी के नहीं 5 साल 5 बदले होने जिन्ने आप पार्टी के बदले। तो कांग्रेस का जिहड़ा हाल आ, तुसीं आप देख रहे हो, आपे जुंडो जुंडी होई जा रहे हैं। जिहड़ी रूलिंग पार्टी का स्टेट का प्रेजिडेंट अपने मुख्यमंत्री दे ऐलान ते तंज कसे, अपने मुख्यमंत्री दे ऐलान नूं बोक्स दसे, फराड दसे, फिर वह मुख्यमंत्री दे बयान का की अर्थ होएगा? साढ़े 4 साल भी जिहड़ा मुख्यमंत्री जिहड़ी पार्टी का रहा उहदी माड़ी कारगुजारी, उहदी लापरवाही, उहदी कताही, उहदी नाकामी ते कांग्रेस ने आप ही मोहर ला ली। तो इस करके मैं समझदा कि श्रोमणी अकाली दल का थ्रू आउट केडर इंटैक्ट रहन करके, सैकेंड ये भी आ भी श्रोमणी अकाली दल नूं पिछली बार एंटी इनकंबेंसी का तो असर पे ही पिया सी, पर एक झूठे प्रचार का, प्रोपेगंडे का, मनघड़त कहानियां का ऐसिया गल्लां बनातियां जिहड़ियां हो ही नहीं सकदियां। जानी सोशल मीडिया ते मतलब इस तरह का प्रभाव पाया गया जिहड़ी कदे दुनिया च हो ही नहीं सकदी। दुनिया च होर हर गल सच हो सकदी आ, पर यह कदे सच नहीं हो सकता भी कोई अकाली कहाउण वाला और अकालियां दा लीडर कहाउण वाला श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करे। बेअदबी करवाउणी तां एक पासे, बेअदबी हुंदी देख नहीं सकता, पर इल्जाम लाता बहुतिया ने सच मान लिया। सो इस करके थ्रू आउट जो मैं समझदा कि जिहड़ा पीरियड लंघिया, इस पीरियड का जे फायदा हो रहा तो श्रोमणी अकाली दल नहीं हो रहा। हुण मैं आया कम से कम थोड़े मीडिया ते भी आ जाती है गल, कोई दिन एक ऐसा नहीं हुंदा जिथे 10-20-50 परिवार कांग्रेस नूं छड के जां आप पार्टी नूं छड के साडे शामिल नहीं हो रहे। सो इसलिए मैं समझदा कि ये हालात जो अज पंजाब दे राजनीतिक गलियारे च बने ने, इहदा श्रोमणी अकाली दल नूं तां फायदा ही फायदा, श्रोमणी अकाली दल नूं किसे पासों कोई बहुता नुकसान नहीं है। ठीक आ, साडे शुरू शुरू च कुछ साडी जिहड़ी एक लीडरशिप सी उहदे चों कुछ बंदे सानूं छड के उदों गए, पर लम्मा समा हो गया तो भरपाई भी होगी, तो हुण इमीजिएटली सानूं कोई बहुत वड्डा होर खोरा नहीं है, फायदे ही फायदे आ। चंदूमाजरा साहब, तुसीं जिक्र कीता कि आम आदमी पार्टी तो छड के जिहड़े आगू ने जा रहे ने होर पार्टियां कांग्रेस नूं छड रहे ने, तो दूजे पासे श्रोमणी अकाली दल तो भी सिरसा साहब BJP ज्वाइन कर गए, सरबजीत सिंह मक्कड़ हलका इंचार्ज जलंधर तो वह BJP चले गए, इस तो अलावा होर भी एक लंबी लिस्ट जुड़ जाती है जिहड़े लगातार BJP शामिल हो रहे हैं, खास तौर पर जदों तो खेती कानून रद्द होए ने, तुहानूं नहीं लगता कि तुहानूं उसका नुकसान होएगा? देखो जिथे तक तो सरसा साहब का सवाल आ, तुसीं BSS करते होने, चर्चावां भी यही ने, सच्चाई की है तो रब जानता जो जानते ने, पर इस तरह का चर्चा जिहड़ी सच हो सकती है भी किते ना किते दबाव पा के किते ना किते, क्योंकि बिजनेसमैन ने कारोबारी लोग ने उन्हां ते कोई ना कोई प्रभाव पा के ये जरा उन्हों डरा के चेंज किया, पार्टी का बदलाव कराया। तो वैसे अभी सरसा साहब का कोई केडर इत्थे पंजाब दे भी तां कोई केडर है नहीं,
दिल्ली दे विच ठीक आ, पर दिल्ली दे विच भी मेरा ख्याल एक भी दिल्ली कमेटी का जिहड़ा मैंबर आ उहदे नाल नहीं गया, कल्ले ही गया वो, बल्कि एक सधारण मैंबर भी अकाली दल का उहदे नाल नहीं गया। सो क्योंकि कोई वो भी जज्बाती तौर पर सिद्धांतक तौर पर तो उधर गया नहीं, ना किसी नूं लैके गया। सो दबा थले गया, कल्ले ही गया, तो ठीक आ असर तो पैंदा ही आ, पार्टी नूं थोड़ा बहुत सैटबैक तो पहुँदी हुंदी आ, पर उस हिसाब की जे आप कही भी नमेरिकल श्रोमणी अकाली दल के केडर नूं कोई खोरा लग्या। जदुमंदर साहब यही सवाल मैं एक दलजीत डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा सवेरे आए थे इस मंच से उन्होंने भी किया कि अकाली दल का एक दौर से जदों धर्मयुद्ध मोर्चा 1984 का जिक्र हुंदा है कि अकाली दल के जिन्हें भी आगू हुंदे सी वह कितें ना कितें जेलां तो नहीं सी डरते। अज सिरसा साहब जदों शामिल होए ने भाजपा दे विच तां श्रोमणी अकाली दल ये कह रही है कि उन्हां को दो ऑप्शन सी, जां तां जेल चले जांदे ते जां उह भाजपा दे विच शामिल हो जांदे, उन्होंने भाजपा का रस्ता चुनिया। तो की श्रोमणी अकाली दल के लीडर हुण जेल जाण तों डरन लग गए आ किसी अपने स्टैंड तों खड़न ते जिहड़ा है? ये जिहड़ा तुसीं सवाल किया बड़ा महत्वपूर्ण आ और मैं ये चिंता वाला भी आ क्योंकि ये सच्चाई भी आ कि पॉलिटिक्स जिहड़ी है अजक की पॉलिटिक्स सुविधा की पॉलिटिक्स हो गई। अजक जिथे सूत लगता लोग उधरों जाण लग गए, सिद्धांतक राजनीति तो रही नहीं। जे सिद्धांतक राजनीति हो ना जेलां डरा सकदियां ना पैसा ललचा सकता फिर तो किसी तरह का असर नहीं पैंदा। जदों राजनीति सिद्धांतहीन हो जाती है, राजनीति दे विच सुविधा देख के लोग आ जाते ने फिर कुदरती तौर पर कई पार्टियां च थां भी बना लेंदे ने, पर जदों वक्त पैंदा उदों फिर ऐसे हालातों च पिछे भी हटते ने। एक कल्ला अकाली दल नहीं, ओवरऑल हिंदुस्तान की राजनीति जी तुसीं देख सकते हो कदे सेवा कदे वो लोग राजनीति आते थे जोड़े सेवा करते और राजनीति में आने वाले लोगों की लोग रब तो बाद जे किसी का सत्कार या पूजा करते राजनीतिक लोगों का करते। अज राजनीतिक शब्द जोड़ा इन्ना भैड़ा हो गया भी जे किसी को गाल क्ढनी हो माड़ा कहना हो कहना हो तू झूठ तो नहीं बोलता, अगला कहना कि तू राजनीति तो नहीं करता। राजनीति शब्द इन्ना बदनाम हो गया, ये होया इन्हां लोगों करके आ जिहड़े सुविधा की राजनीति कारण पार्टियां दे विच पोजीशन लै गए। सो जे स्ट्रगल करके लोगों के हकों लई लड़ के आवाज़ बन के जे लोग आउंदे ने तां मेरा ख्याल उन्हां नूं कोई समय की सरकार डरा नहीं सकती। हुण मैं सब तो छोटा जिहा सी, मेरे दाढ़ी नहीं सी उतरी जदों एमरजेंसी लगी, ज्ञानी जैल सिंह ने सारा प्रैशर पाया मेरे ते, साडे रिश्तेदार साडा हल्के दे लोग, मैं तो अजे बहुत छोटी उम्र का सी भी दो शब्द लिखा दो भी एमरजेंसी ठीक आ, मैं क्या मैं नहीं लिखनी दबा थले मैं नहीं मनना, फिर कहते तेन जेल जाना पऊ, मैं चले जाऊँगे। इस गुस्से आके उन्हें मेरे ते मिसा लाया, जाने पंजाब दे विच विद्यार्थियों विचों सब तो पहला मेरे ते मिसा लाया इस गुस्से आके। सो मैं क्या ला लो, मतलब मेरा मतलब भी जेड़ा चाहे दो साल अंदर रहना पै गया पर हौली हौली देखो फिर MLA बने, वजीर बने, MP बने, तो जे मैं उदो दो शब्द लिख के एमरजेंसी में ठीक कह दिता शायद मैं कुछ भी ना होंदा। सो ये जेडे असल च जिन्हां लोगों ने राजनीति नूं एक आदर्श के तौर पर सिद्धांत के तौर पर सेवा नूं मुख रख के चुनिया होवे वो लोग लोगों नूं सरकारां नहीं डरा सकदियां ना जेलां डरा सकदियां। ये उन्हां उही लोग डरदे ने जेडे जिन्हों ओपरचुनिस्ट कह लो, जिन्हों मतलब फायदा लैन वाले कह लो, क्योंकि हुण तां लोग कहिंदे ने साढ़े को कई आ जाने भी जे तो टिकट मिल जूगा फिर तो इनवैसटमेंट करिए जी, मैं इनवै जिमें व्यापार करना हुंदा, हुण शब्दावली बदल गई भी इनवैसटमेंट करिए जी जे तो टिकट मिल जू, जे टिकट नहीं मिलनी फिर असी कहनू खर्चा करिए जी। मतलब हुण लोग राजनीति दे विच भी व्यापार करन ही आउण लग गए। ये कल्ला अकाली दल नहीं, मैं सारे ओवरऑल पार्टियां की गल करना, अकाली दल अजे भी बचा हुआ क्योंकि अकाली दल का तुसीं देखिया होना सारे कुछ दे बावजूद सारिया चुनौतियां कठिनाइयां दे बावजूद सारे झूठे परापे गंडे दे बावजूद श्रोमणी अकाली दल का जिहड़ा केडर आ वह इंटैक्ट रहा, क्योंकि उहदे च अज भी बहुत बड़ा हिस्सा जिहड़ा तुसीं कहिंदे हो ना भी इस तरह सरसे की गल की जां होर, ये एक
ਠੀਕ ਆ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਹਿਣ ਨੂੰ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖੀਏ ਓਵਰਆਲ ਅਜੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੇਡਰ ਆ ਉਹ ਨਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਟਰਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਲੈਸ਼ ਸੀ, ਜੋ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਰਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਘਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਧਰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਟ ਗਏ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਿਸਟਮ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਵਸੀਲੇ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਰਾਜ 'ਚ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਵਿਰਾਸਤ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਆਧਾਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸੋਚ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮਗਰਮੱਛ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਲਈ। ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਤਪਰ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਮੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੁੱਪ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ? ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਵੈਸੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ, ਦੇਖੋ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੱਕ 'ਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਚੋਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਠਾਈ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਜਹਿਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ 370 ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। 370 ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਸੀ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਵੀ 370 ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਹ ਉਲਟ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 370 ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਦ ਇਨ ਪਾਰਟੀ, ਵਿਦ ਇਨ ਅਲਾਇੰਸ NDA 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਲੜਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਦੋਂ ਲੈਂਡ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਐਕਟ ਸੀ
मेरा ख्याल है मुल्क दे विच पहली बार होना भी रूलिंग पार्टी दे विचों किसी ने अमेंडमेंट पाई हो जो लैंड एक्विजिशन एक्ट आया 2015 दे विच मैं आप खुद अमेंडमेंट पाई उस कानून के विरुद्ध 10 अमेंडमेंटा पाइया ये वक्री गल है मैंने उन्होंने बुला के फिर जोर पाया मैं वापस न ली तो फिर 10 अमेंडमेंट्स के विचों 9 मनिया फिर मैं वापस ली सो मेरा मतलब भी असी हुण जो बिहार के वाजपेई साहब के टाइम धारा 356 तहत उत्थे सरकार तोड़ती सी पार्लीमेंट का रिकॉर्ड आ मैं बोलिया उत्थे धारा 356 के विरोध के असी उत्थे डट के लोग सभा दे विच मैं आवाज़ उठाई भी गलत है वह पर वोट सानू हक च पाउणी पई क्योंकि साडा रिश्ता टुटदा सी पर कई बार सानू अपनी गल असी जदों अलायंस च होईए गल अपनी कहनी पैंदी आ जोर ना कहिंदे भी रहे हां पर अंदर रह के कहिंदे रहे हां जिथे बाहर सी बाहर भी कहिंदे रहे हां जिथे तक नाता तोड़न दी गल आ फिर उत्थे सारियां गल्लां नू उदों हालात इह सी मुल्क दे विच क्योंकि श्रोमणी अकाली दल नू तुसीं देखिया होणा 1984 जिहड़ा उह दहाका सी ना 80 तो लैके 90 दा दहाका वो दहाके दे विच अकालियां नू कह लो सिखां नू कह लो इन्ने डराउणे बना के भयानक बना के खून खान बना के दरिंदे बना के वक्खवादी बना के अतवादी बना के दुनिया दे विच हुआ खड़ा करता हिंदुस्तान च हुआ खड़ा करता 84 च आही डरा पैदा करके डराबे दे के लोग हिंदुस्तान नू एडी वड्डी बहु मत लै गए कांग्रेस वाले सो ये सारिया गल्लां विचों अकाली दल अगे नुमाइंदा जमात होण करके पंथ दी साढ़े सामने सी भी असी किसी ना किसी नाल तां राष्ट्रीय पद्धर ते जुड़िए इस बदनामी दे विचों तां निकलीए ते बीजेपी नाल जदों असी रिश्ता जोड़िया सी साढ़े सामने सब तो वड्डी गल सी और असी उहदे च कामयाब भी होए असी सफल भी होए जदों बीजेपी नाल उदों सांझ पाई ते सारे हिंदुस्तान ने इस गल नूं देखिया भी ये ना वक्खवादी ने ना अतवादी ने सो असी वो जरा साढ़े ते स्टिगमा लगता सी असी उहदे विचों अपने आप नूं निकलण लई उदों रास्ता चुणिया पर हुण ये जदों फिर छोटिया छोटिया इस किस्म दीआं गल्लां अगे सामने आउंदीआं सी है तो वह भी जरूरी सी पर असी उन्हां नूं छड्डणा पै रिहा सी वड्डे कारण करके आ हुण जदों खेती संबंधी कानून आए ये तो बहुत वड्डी गल सी क्योंकि अकाली दल जिथे पंथ की आवाज़ आ जिथे पंजाब के हक्कां दी पहरेदार आ जिथे सरबत का भला मंगदी आ मानस की जात सभे के पहचान बोधी गल करदी आ उत्थे श्रोमणी अकाली दल नूं इस गल का पूरा एहसास आ कि किसानी बेस जिहड़ा अकाली दल का बैकबोन जिहड़ी अकाली दल दी किसानी आ ते किसानी लई अकाली दल ने आ जिहड़े परचेज सेंटर बने अकालियां ने बनाए MSP जिहड़ी मुल्क दे विच पहली बारी आई ते लियाई अकाली लेके आए पिंडां विच परचेज सेंटर बनाए तां अकालियां ने बनाए जे पिंडां विच गन्ने दे भी 20-20 पिंडां ते कंडे जदों मैं सहकारिता मंत्री सी मैं 20-20 पिंडां ते कंडे लाते सी तां कि लोगों नूं मिल अगे ना खड़ना पवे शुगर मिलों का मुनाफा पहली बारी मेरे तो पहला मेरे तो बाद अज तक नहीं किसी ने वंडिया असी शुगर मिलों का मुनाफा भी वंडिया ताकि लोगों को एहसास कराइए कि तुम मालक हो इन्हां मिलों के सो ये सोच पिंडां दे विच सड़क पिंडां दे विच बिजली मतलब जो कुछ भी पिंडां दे विच होया तां अकालियां की बदौलत होया इसलिए ये जिहड़ा मंडीकरण सिस्टम सी MSP सी जिहड़ी अकालियां की देण सी इहनूं एक बड़ा वड्डा झटका लग रहा सी खेती संबंधी कानून जिहड़े बने सी सो इस करके अकालिया की यह मजबूरी सी इस करके असी फिर NDA तो रिश्ता तोड़िया भी जे तुसी साडे इस जिहड़ा साडा बैकबोन आ जिहड़ा साडी बेस आ इहते सट वज्जेगी तां असी नहीं रह सकते नहीं तुसी जिक्र किया कि 1984 का जिहड़ा दहाका सीगा और उस तो बाद आउंदे ये मजबूरी सी कि जो BJP नाल गठजोड़ या उस सिधांतक सी मैं तुहानूं कहा भी ये लोड़ सी समय की जे जिन्ना अकाली दल नू कह लो क्योंकि अकाली दल पंथ की आवाज़ थोनों मैं कहा तो जिन्हें भी लोग जिमें मेरे वर्गा पहरावा दुनिया च शक ला गए थे करन जिहड़ा खुली दाढ़ी होंदी सी केसरी पग होंदी सी थोनों पता ही है तुसीं भी तो उस हालात चो लंघे आ जे राष्ट्रपति वर्गे बंदियां ते भी अटैक होए इहदा मतलब इन्नी घिरना इन्नी नफरत पैदा करती सी ते उहदे विचों सानू अपना असली पहचान मुल्क दे विच लियाउण लई उस करके सानू भारतीय जनता पार्टी नाल रिश्ता जोड़ना पिया
और उहदे नाल मैं बड़े मतलब विश्वास ना कहना उहदे च असीं सफल भी होए आ। कांग्रेस जिहड़ियां लड़ाउण दियां बदनाम करन दियां मतलब साजिशां रचदी सी उहदे च कांग्रेस फेल होई ते इसे करके कांग्रेस दा हाल बुरा होया, मुल्क च बुरा होया। कन्याकुमारी तो लै के जम्मू कश्मीर तक जिहड़ी कांग्रेस दे झंडे झुलदे सी ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੜ ਕੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਜੁੰਡੋ ਜੁੰਡੀ ਕਰਾ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਨੰਗਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। अच्छा चंदूमल साहब, एक जो पिछले दिन ऐलान किया गया कांग्रेस वालों और नाल दी नाल दूजे बीजेपी, तुसी भी तुहाडी पार्टी ने ऐलान किया कि डिप्टी सीएम जिहड़ा वो दलित होएगा और बीजेपी ने ऐलान किया सी कि असी सीएम ही बना देंगे, तो तुहानू नहीं लगता कि कांग्रेस ने उस खेत्र च तां बाजी मार ली है मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नूं बना के? नहीं, कांग्रेस पार्टी ने जे चरणजीत सिंह चन्नी नूं मुख्यमंत्री बनाया, तुसी भी जानते हो, मीडिया प्रेस सारी दुनिया जानती है, मजबूरी 'च बनाया, कोई वह सिधांत तौर पर जां दलित भाईचारे की लोड़ नूं महसूस करदिआं नहीं बनाया। जे दलित भाईचारे नूं देख के बनाया हुंदा फिर तो जिस दिन कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां नूं लाया उस दिन चन्नी नूं बना दिंदे। उन्होंने तो मेरा ख्याल है घंटे घंटे बाद तो मुख्यमंत्री बदले, पहलां जाखड़ साहब का नाँ आया, उहदा इतराज़ हो गया विदिन पार्टी, फिर रंधावा साहब का नाँ आया, फिर उहदा विरोध हो गया विदिन पार्टी। ये तो मतलब एक किस्म का मजबूरी बस, चन्नी साहब नूं तां बनाया जदों होर कोई रास्ता ही नहीं सी, नहीं पार्टी खिंड रही सी, नहीं गवर्नरी राज लागू हो जाना सी, सरकार टुट जानी सी जे घंटा दो घंटा चन्नी साहब नूं ना बनाउंदे। सो इस करके तो मजबूरी च चन्नी साहब नूं बनाया, ये कोई दलित भाईचारे नूं खुश करन लई जां लोड़ महसूस करके नहीं बनाया। मैं ऐसी तुसी तजर्बे देख सकते हो। अच्छा चंदूमल साहब, जिहड़ा हुण इलैक्शन आ रही है इस दे विच किहड़े मसलियां नूं लै के तुसी उतरन वाले हो? बेअदबी दे मसले बारे मैं डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा नाल गल कीती सी, उह कहिंदे कि इस बार वह प्रचार जो कांग्रेस ने साडे खिलाफ़ कीता सी आम आदमी ने वह हुण नहीं होएगा, तो इस बार की मसले रहण वाले ने, किहड़े मसलियां नाल श्रोमणी अकाली दल लोकां दे विच आएगी? देखो, श्रोमणी अकाली दल हमेशा पॉजिटिव राजनीति करता। श्रोमणी अकाली दल ने अपना पॉजिटिव एजेंडा दिता। श्रोमणी अकाली दल ते एक तो लोगों का विश्वास आ, एक लोगों नूं आस आ, आस ते विश्वास उसे ते हुंदी आ जिन्हें कुछ करके दिखाया होवे। देखो, श्रोमणी अकाली दल ने जदों कहा सी खेतीबाड़ी लई ट्यूबवैलां दी मुफ्त बिजली होएगी, बड़ा रौला पिया सी, और इत्थों तक भी कहा गया सी वी इह तां संभव ही नहीं है, करे नहीं सकते भी पानी खेतों नूं किसानां दे लगे ते बिल सरकार भरे, असी करता। जदों आटा दाल सस्ता कीता सी उदों बड़ा रौला पाया, कहिंदे 100 रुपए किलो विकण वाली दाल 20 रुपए किलो किवें दे दोगे, असी दित्ती। जदों शगन स्कीम शुरू कीती लाओ, कहिंदे सरकार भी शगन दे देगी, असी दित्ता। सो अज लोगों इस गल का एहसास आ कि अकाली जो कहिंदे ने उह करके दिखाउंदे ने। और एक दूजी गल भी इह आ वी पिछला जिहड़ा विकास आ अकाली बीजेपी समय 10 सालां दा वह भी लोगों के सामने आ रहा। हूँ इतों बठिंडे तो जाते थे, मेरा ख्याल है भी चार पाँच पाँच घंटे बठिंडे चंडीगढ़ तो लग जाते थे, हूँ 2.5 घंटे आप बठिंडे पहुँच जाते हैं। श्री अमृतसर साहब जाना हो, मेरा 3 घंटे चंडीगढ़ तो इतों आप 3 घंटे ज श्री अमृतसर साहब पहुँच जाते हैं। आ 10-10 दिन हजूर साहब के लगते थे यात्रा कर जाते, हूँ सवेरे ब्रेकफास्ट करके जाओ सचखंड हजूर साहब मत्था टेको, जो उस दिन आना शाम की रोटी घर खा लो, नहीं दूजे दिन तो आराम नाल सारे गुरुद्वारा साहब के दर्शन करके आ सकते हो। मैं पटना साहब जाना, लोग जिंदगी नहीं जा सके पटना साहब, तो हजूर साहब साढ़े बजुर्ग हूँ रोज़ जहाज जान लग गए। मतलब एक हिंदुस्तान च एक सूबा पंजाब जी इन्नी आबादी है जिथे दो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे बने हुए हैं तो डोमैसटिक एयरपोर्ट बन गए। मेरा ख्याल है भी 10 सालों के कम से कम 200 तो भी उत्ते फ्लाईओवर बन गए। अगे रेलवे फाटक बंद रहते, लोग आम तौर पर कहा जाता सी भी मरिंडे का फाटक, राजपुरे का फाटक, कराली का फाटक, मतलब किस्मत में खुला मिलता।
ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਗੀਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣੇ ਅਤੇ ਸਰਪਲਸ ਪਾਵਰ ਸਟੇਟ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ, ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿੰਨੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬਣੀ ਮੇਰਾ ਖੈਰ 60-70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਫਿਰ ਪਾਵਰ ਸਾਈਡ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪਲਸ ਕਰਤਾ ਸਟੇਟ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਦ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦਾਅ ਲੱਗ ਗਿਆ ਝੂਠ ਦਾ, ਗਲਤ ਪ੍ਰਾਪੇਕੰਡੇ ਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਨਾ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਆ, ਅਤੇ ਪਰ ਝੂਠ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਮੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ।